जय धर्मेश। मैं चितरंजन उराव, आज सरना समाज सरना स्थान बेहतरीन तरीका से किस प्रकार से हमारे समाज के जो सरना स्थान है, धार्मिक स्थान है, इसको सुरक्षित और अच्छा रखने के लिए यहाँ का देखते ही बनता है। तो मैं इन्हीं से मैं जो यहाँ से प्रेरित होकर इस सुंदर काम कर रहे हैं उनसे मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ जो सरना स्थान का जो घिराव कर रहे हैं और घिराव करने के पीछे कहाँ से प्रेरणा मिला, तो इनके नामे कह रहे हैं राम और अहमदालन के बाद सरना सरना की बर्दर और बर्दर का सर बढ़िया लगी तब शरीर अड़पा पल्ली शरीर ठीक ठाक लगी मजबूत लगी। हाँ जी अच्छा, और इसमें कदम है कुछ बनना कदम और इसमें बहुत दौले काम आना लग करी और इसे घेराव जो मना लग करी तो निभा हुआ तो मना लग करी। हाँ कुछ कदम भी खाई थी एकदम फनार हूँ नाना भी लगना घेराव चंदा भी लगना। अच्छा तो देखिए दोस्तों, मतलब यहाँ के लड़का लोग में कितना उत्साह और उमंगता है, जिस समाज में या जहाँ भी अगर लड़का लोग हमारे मातृत्व शक्ति को साथ देते हैं तो किस प्रकार से उनके अंदर उत्साह और उमंगता यहाँ का बच्चे बच्चे दिखाई दे रहे हैं, कितना सुंदर तरीका से काम हो रहा है। तो और इधर एक बार कहेंगे कि मतलब ये बगल लगभग बर्दर हार भी फेंके मंदम कभी 10 झान 12 झान 7 झान 6 झान इनमें कभी कभी उम्मीद बड़ी माँ हार भी मार करना काम कुछ पड़ गई तो सब्जी कोरोना के बारा होले अब अगर जो उत्तम। अच्छा 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 ठीक है। और पूरा समाज ने इधर संदेश चाहे भी ना है सोना समाज कुछ और देंगे भी ठीक है मतलब हार भी बरना चाहिए गुठी और मान बरना आ रही जब आ रही थी ऐसा बरना रही और मार गए ऐसा होने बढ़िया लग एक दूर मानो होने और अच्छा रही। तो कितना सुंदर और बढ़िया काम मना लिख करी ईसन वर्षका के बाद नो ईसन नमा आयो बाबा कर गुठी और जो भाई गठु बनर ईसन वर्षकम ते नमाए समाज संगठित और सुंदर से नमाए व्यवस्थित मनो। तो निंगन हूँ मैंने चाहो निंगन नामे तो आलखना रे नमाज ईसन ध्यान में हम बढ़िया काम लेकर चले आखर के कसन करना रे तो निंगन नामे के निंगे तुम ही रहो तो न्यून शरण बर दे हार रे दिखे के और कोनो खतर उठे और अपन जो है कि घेराव को मार दे अंदर दिन में आने प्राण की भी बनता किरा तो इस्तेमाल टीम में दिन हनी ना लगे मतलब दिन इधर और मां हमने का ना लड़की और मां इधर घेरा करा और वो मतलब सूसा पता का बहुत कुहार है लेकिन मतलब ओन तरह भैया आधा माने जमाने में बात होती ना। तो दोस्तों ये इस गांव का मैं भी हूं, मेरा घर चौक में है पर यहाँ दो सरना है और इस सरना में खुद ही ये लोग अपने से चंदा किए और कुछ सर्विस मैन वगैरह सहयोग किए और कितना अच्छा हो रहा है, यही तो करने का जरूरत है। हम लोग केवल सोचते रहते हैं, विचार करते रहते हैं और करते नहीं हैं, कथनी और करने में यही अंतर होना नहीं होना चाहिए। बहुत लोग कहते हैं कुछ है करते कुछ है लेकिन आज हमें कह के नहीं ज़्यादा से ज़्यादा करके दिखाना चाहिए। तो कोनो निभाए लगभग इमदा लगभग खर्चा बन चुकी कुछ याद रही और निभाए जैसे कोई लड़का नहीं ना गुबान वाले करना हाँ नामे गुटे तेंगा चाहिए कुछ 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 अलग तेंगा वासुदेव हाँ बिरसा रोहित रोहित हाँ अनिल और नमा आयोगार मैयागार और दीदी गार उठे मुक्कर उठे ने अगवान लग कर इस नहीं मालक कर और ने ने मेरा नाम है तेंगे नाम बराबर बरना आगे तेंगे ने ने बरना पे बरना ते तो इमें बरदा मिसन और उठे कुमान बरस करना ना नाम ही बरते ना चरिया चरिया हाँ चरिया और सीमा टोपी तो बहुत सारे लोग मिल के बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमें बहुत जरूरी है आज अपने सरना धर्म के लिए जितना हो सके प्रचार कीजिए, जितना हो सके छोटे छोटे बच्चों को सरना में लाएं ताकि बचपन से ही बच्चे के अंदर में अपने समाज के प्रति प्रेम हो, अपने सरना धर्म के प्रति प्रेम हो और हमारे मातृत्व शक्ति इस प्रकार से जो आ रही है उनको सहयोग करे मदद करे।
बहुत सारे गांव में मैं देखता हूं कि हमारे मातृशक्ति जब सरनाम आती है उनको बहुत सारे उल्टा सीधा बांधर गुटी तो आ कथन मामला लेके चलना चेरो बात बच के जा या कम से कम 5-6 सप्ताह का केरल पूजा गुठन आदि के बाद में पहाने दिन बंद बन जाती मल्ला का ना बाहर की पहाने गुठी और नमाय समाज का अगुवर गुठी तो आदमी कैसे बाहर की तो बहन जी सही बोला हमारे अंदर में जो मन है विचार होता है उसको पवित्र करने के लिए खाना से ये भरेगा नहीं। हम इसमें विनती करेंगे भजन करेंगे और अच्छे अच्छे जब बातें करेंगे सुंदर सुंदर बातें करेंगे तभी शुद्ध और पवित्र होगा। आज हमारे समाज के लोग सरना समाज के लोग अन्य धर्म की ओर क्यों भटक रहे हैं क्यों जा रहे हैं इसलिए भटक रहे हैं कि आज हमारी माताएं बहुत सारे चिल्ला रही है कह रही है कि हमारा धर्म सरना है सरना माँ खुद बुला रही है लेकिन जो पहान पनवरा होते हैं जिसको अगुवाई करना चाहिए वो तो खुद ही अपना समाज को भी अगुवाई नहीं कर पाए हमारे समाज की जो पुरुष शक्ति को भी वो लोग संगठित नहीं कर पाए। आज माताएँ लोग ऐसे ऐसे माताएँ लोग हिम्मत और ताकत दिखा रही है और सरनाम उनको ताकत दे रही है ये लोग समाज को अगुवाई कर रही है और एक सूत्र बांधने के लिए प्रयास कर रही है। तो मैं भी इन्हीं माताओं के साथ में खड़े हैं। आपको ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये वीडियो यूँ ही ऐसा ही नहीं है यहाँ बेहतरीन तरीका से काम हो रहा है और यहाँ के जो छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे और युवा शक्ति प्लस पूरा ही मातृत्व शक्ति एक जो गांव है उस गांव के आधा हिस्से में एक साइड में टोला पड़ता है उस टोले का ही अपने से फूस से चंदा किए अपने कमाए हुए धन को यहाँ सही जगह पर लाए यहाँ अपने धन को अगर 5% में अपने धन को दौलत को सही जगह पर धर्मेश की जगह पर खर्च करते हैं तो ये बहुत बड़ा पुण्य होगा और इनके परिवार में और इनके जीवन में बहुत अच्छा हो। मैं सरना माँ से दुआ करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ और आप लोग भी ये वीडियो देखिएगा तो दुआ कीजिए ऐसे ही माताओं की वजह से आज हम लोग का समाज संगठित हो रहा है व्यवस्थित हो रहा है। तो ताकि नियम हमारे क्षेत्र में तो यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा कि हमारे यहाँ जिस तरह से सरना स्थान का घेराव जो हो रहा है और यहाँ पर जो छोटे छोटे बच्चे नन्हे मुन्ने सारे पूरा समस्त सरना परिवार के लोग काम कर रहे हैं और बहुत उत्साह और उमंग बहुत खुशी है। ऐसा ही आज हर एक गांव के लोगों को करना चाहिए। यहाँ के युवा शक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और ऐसे ही युवा लोग आगे आए और यहाँ जो हमारे जो पुरुष जो बुजुर्ग हैं वो लोग कुछ कुछ सहयोग कर रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है। देखिए किस प्रकार से यहाँ लगे हुए हैं कुछ दिन के बाद में यहाँ अच्छा प्लास्टर भी होगा और प्रत्येक बृहस्पतिवार को सुंदर तरीका से आते हैं और जो भी नहीं आते हैं उससे हम कहना चाहेंगे आइए अपना स्थान यही है यहीं सुख मिलेगा यहीं शांति मिलेगा यहीं प्रेम मिलेगा यहीं अपना जुड़ाव होगा यहीं जो चाहिए वो हमारे लिए यहाँ मिलने का स्थान है इसका अहमियत हम समझें और यहाँ हम इज्जत किए तो हमारा भी इज्जत होगा हमारा भी मान होगा हमारा भी सम्मान होगा। हमारे बच्चे आज स्कूल वगैरह में जाते हैं वहाँ पर भी भेदभाव किया जाता है कि सरना मानने वाले हैं उनको कहीं कहीं एडमिशन वगैरह नहीं होता है तो जब हम आना शुरू करेंगे तो हमारा सब जगह इज्जत होना शुरू हो जाएगा। और मैं कहना चाहूँगा कि हमारे जो बहुत सारे ऐसे ऐसे गांव में है जहाँ पे इज्जत नहीं करते हैं मान नहीं करते हैं जहाँ की मतलब सरना स्थान में बैल वगैरह घुटते हैं गड्ढा बना के रखे हैं गंदगी बना रखे हैं कीचड़ बना रखे हैं तो वहाँ पर साफ सफाई रखिए और इससे प्रेरित होकर सुंदर से सरना स्थान का घेराव कीजिए और साफ सफाई रखिए। यहाँ अहमियत देंगे तो हम सारे का अहमियत और वैल्यू होगा हम सारे को हमारे दिमाग में अच्छा होगा सुंदरता होगा प्यार होगा और लगाव होगा और किस प्रकार के समाज को लोग संगठित होते जाएंगे ये सरनामा चाल देते हुए हम सारे को मातृशक्ति को बताते हुए हमको आगे ले जा रहा है। चलिए मैं इतना ही बोल के अपने बातों को समाप्त करता हूँ। ये वीडियो आप दिखाना और अपने पूरे दोस्तों को और अपने पूरे समाज को एक एक घर में हर एक घर में पहुँचना चाहिए जल्दी से जल्दी पहुँचना चाहिए मैं चाहता हूँ। चलिए जय धर्मेश जय धर्मेश जय धर्मेश।